हेलो बच्चों, क्या मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच रही है? जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि क्या वो आप सही मुझे सुन पा रहे हैं। सही बच्चे, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच रही है। जल्दी बच्चे, कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच रही है, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर कुमार विद्यार्थी बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत धन्यवाद पाल जी, आपका स्वागत है। आपका भी डीके डीके राम राम जी, हंस राज। यस सर जी, मेरा प्रजापति इवनिंग अभिषेक शर्मा, अभिषेक मिश्रा, गॉड ऑफ रीजनिंग कानपुर। मेरा पति बच्चा जी जी सर, सोहित कुमार गुड इवनिंग है। हंस सर, हरविंद कुमार जी, हाँ ओके। तो सही बच्चे, जल्दी जल्दी जुड़ जाए और फिर हम लोग आज की ये तीसरी क्लास शुरू करते हैं। ओके, आज हम लोग इसकी तीसरी क्लास शुरू होंगे। धर्मेंद्र कुमार जी, यस सर, हाँ जैसा कोई नहीं पढ़ाना पढ़ा था है। अमन आर कुशवाहा जी गुड इवनिंग है। प्रमोद अखरवाल, यस सर। आशा आशा दीक्षित जी गुड नाइट सर। आयुष तिवारी जी गुड इवनिंग है। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कल हम लोगों ने 130 नंबर तक के क्वेश्चन किए और आज हम लोग 130 के बाद 131 नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो सही बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले और एक बार जितने बच्चे जुड़ चुके हैं इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और बच्चे जुड़ पाए और फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। भाई अक्षय कुमार जी, अखिलेश कुमार जी गुड इवनिंग है। धर्मेंद्र कुमार, हाँ सर ओके धर्मेंद्र जी। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन रखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। स्टेग्नेंट दिया गया, स्टेग्नेंट का मतलब फ्लो दिया गया और क्लियरिटी का सब के लिए आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्टेग्नेंट दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, हमने आपको कल ही बताया था कि जो इंग्लिश वाले ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिक्कत दे सकते हैं अगर आपको अच्छे से मीनिंग्स का अर्थ नहीं पता। जैसे कि पहला शब्द दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 131 है और इस 131 में एक शब्द दिया गया है STANENT। स्टेग्नेंट मतलब होता है ठहरा हुआ, तो मतलब क्या होता है ठहरा हुआ। जिनको नहीं पता है वो शायद लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आपको इसका हम आपको PDF देंगे तो उसमें सारा कुछ लिखा होगा, टेंशन लेने की बात नहीं। इसका मतलब होता है ठहरा हुआ। और FLOW फ्लो मतलब होता है बहना। फ्लो मतलब क्या होता है बहना। तो जो आपको स्टेग्नेंट दिया गया इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ठहरा हुआ। तो मतलब क्या होता है ठहरा हुआ। और दिया गया फ्लो, फ्लो मतलब होता है बहना। ओके, तो क्लियरिटी के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्लियरिटी के लिए क्या होगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, फास्ट सही बच्चे आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा तेजी के साथ। सही बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। सही बच्चे प्रयास करिए, सही आंसर देने का प्रयास करिए। सही बच्चे जल्दी से, राइट आंसर दीजिए जल्दी से कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। स्टेग्नेंट मतलब फ्लो और उसके लिए क्लियरिटी शब्द का यूज किया जाता है। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या। गुड इवनिंग, बी आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। तो क्लियरिटी का मतलब देखो क्या होता है, क्लियरिटी का मतलब, क्लियरिटी का मतलब होता है स्पष्ट। तो जो आपको बी ऑप्शन जो आप लोग बोल रहे हैं, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर बी DELUSION, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। इसका मतलब क्या होता है अस्पष्ट। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अस्पष्ट, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया। बहुत बच्चों ने बी ऑप्शन दिया भी है। मोटिवेशन वीडियो गुड इवनिंग है। शुभम इंडियन फायर गेमिंग गुड इवनिंग है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। ईट के लिए ऐड दिया गया है तो बाई के लिए आपसे पूछा जा रहा है, ईट के लिए आपको ऐड दिया गया है तो बाई के लिए आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 132वां क्वेश्चन है। ईट के लिए ऐड दिया गया है तो बाई के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि बाई के लिए क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए 132वां क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, चलिए इसका सही आंसर देते हैं। देखो भैया यहाँ पर जो ईट लिखा है इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है, सेकेंड फॉर्म होता है एट इंग्लिश में, तो सेकेंड फॉर्म होता है वो एटीई होता है ईट का, तो बी यू वाई बाई का, बाई मतलब खरीदना, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है बॉट। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? बॉट, बी ओ यू जी एच टी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन को आप यहां पर टिक कर सकते हो, डी ऑप्शन 132 का राइट आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ बढ़ते हैं, 133वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए 133, रेस के लिए ट्रैक दिया गया। देखो ये क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो रेस कहाँ पर दौड़ी जाती है? ट्रैक पर, एक जो सीधा मार्ग होता है ट्रैक, जिसको ट्रैक कहा जाता है। तो बॉक्सिंग जो होता है वो रिंग में खेली जाती है, एक रिंग नहीं, RINK रिंग नहीं, RING रिंग। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो 133 का सही आंसर जो था वो सी ऑप्शन करेक्ट था। चलिए 133 के बाद 134 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। 134वां क्वेश्चन क्या कहता है? माउंटेन के लिए क्लाउड्स का यूज किया जा रहा है, तो डिजर्ट के लिए क्या होगा? माउंटेन्स का मतलब क्लाउड्स, माउंटेन जो होते हैं पर्वत जो होते हैं वो बादलों से घिरे रहते हैं, तो डिजर्ट किससे घिरा रहता है? आपको जल्दी से आंसर देना है। डिजार्ड मतलब होता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान किससे घिरा रहता है? रेत से, और रेत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंड, SANDY, सैंड मतलब क्या होता है? रेत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ए को आप यहां पर टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 के बाद 135वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 135वां क्वेश्चन आपके सामने है। LION लॉयन के लिए प्राइड दिया गया। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, लॉयन के लिए प्राइड। देखिए लॉयन के लिए प्राइड जो शब्द यूज किया जा रहा है 135 में, यहाँ जो प्राइड शब्द यूज किया जा रहा है, प्राइड का मतलब होता है शेरों का झुंड, शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं। शेरों के झुंड को क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं, PRIDE। तो वोल्फ मतलब भेड़िए के झुंड को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए भेड़ियों के झुंड को कहा जाता है पैक, PACK। पैक मतलब होता है भेड़ों के झुंड या भेड़ों का झुंड, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, PACK पैक, पैक मतलब होता है भेड़ों का झुंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिनको नहीं पता है वो नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 135 जितने मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सारी स्पेलिंगें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम के लिए, इसलिए एग्जाम के तहत देखते हुए ये सारी स्पेलिंगों को आपको अच्छे से इनका नॉलेज होना चाहिए। चलिए 135 के बाद 136 की तरफ बढ़ते हैं, 136वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑनर के लिए नोबिलिटी दिया गया है तो ह्यूमैनिटी के लिए आपसे पूछा जा रहा है। 136 नंबर आपके स्क्रीन पर है, ऑनर के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है नोबिलिटी। देखो ऑनर मतलब तो आपको पता होगा सम्मान होता है, और नोबिलिटी मतलब होता है कृतज्ञता, है ना? नोबिलिटी मतलब क्या होता है? कृतज्ञता, ठीक है। और या ह्यूमैनिटी का मतलब होता है अवमान्यता, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? एमोनोल्टा, तो इसके ह्यूमैनिटी का मतलब होता है अवमान्यता। तो उसके लिए आपको बताना है कि किस ऑप्शन में ह्यूमैनिटी, देखिए ऑनर और कृतज्ञता जो दिया गया है, कृतज्ञता एक दूसरे से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर ह्यूमैनिटी का मतलब होता है अवमान्यता, और अवमान्यता के लिए जो यहाँ पर डिसग्रेस शब्द का यूज किया जा रहा है, डिसग्रेस ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, 136 नंबर क्वेश्चन है, 136 नंबर, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डिसग्रेस। इसका मतलब होता है कलंक, इसका मतलब क्या होता है? कलंक। तो डिसग्रेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कलंक, डिसग्रेस। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटी का मतलब होता है यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि हॉनर्स के लिए नोबिलिटी और ह्यूमैनिटीज का, तो ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है अवमानना, क्या होता है? अवमानना। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, जब आपको हम आपको PDF देंगे तो PDF में सारी स्पेलिंग के अर्थ लिखे होंगे, वहां पर आप पढ़ सकते हैं आराम से, खुश रहिए जीके रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर रिस्ट का मतलब शोल्डर्स दिया गया, तो एंकल का मतलब क्या क्या होगा? एंकल, देखिए 137 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए रिस्ट मतलब होता है कलाई,
और सोल्डर्स मतलब होता है कंधा, तो एंकल मतलब होता है, एंकल जो है जिसको हम लोग कहते हैं घुटना, ठीक है। तो एंकल के लिए आपको बताना है कि क्या होगा, तो एंकल के लिए होगा हिप। हिप इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एंकल के लिए हिप, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बने। और ये देखो ये क्वेश्चन जो है इसकी स्पेलिंग तो आपको पता ही होंगी, क्योंकि तो इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। सुबी सचान गुड इवनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। 138 आपके स्क्रीन पर। पे और रिसीव। पे मतलब भुगतान करना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। पे मतलब क्या होता है, भुगतान करना, और रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। वॉश मतलब साफ करना, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए वॉश मतलब क्या हो गया, साफ करना, तो साफ का विपरीत होगा, क्योंकि पे और रिसीव एक दूसरे का विपरीत है। पे और रिसीव क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। तो यहाँ पर वॉश मतलब होता है साफ करना, तो साफ करने का विपरीत जो होगा वो हो जाएगा ट्रेंस दिया गया है, शोल दिया गया है, क्लीन दिया गया और नीट दिया गया। तो देखो SOIL शोल, तो यहाँ पर एक स्पेलिंग यूज की जा रही है शोल, क्वेश्चन नंबर 138 है। तो SOIL सॉल मतलब होता है मैला। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 138 का, और बी राइट आप कर सकते हो इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोज के लिए पोएट्री। प्रोज का मतलब आप जानते होंगे, आप लोगों ने हिंदी में गद्य और पद्य पढ़े होंगे, गद्य और पद्य पढ़े होंगे, गद्य और पद्य। तो प्रोज मतलब होता है गद्य और पोएट्री मतलब होता है पद्य। पोएट्री मतलब कविता इंग्लिश में पोएट्री, और हिंदी में इसको कविता भी या पद्य भी कह सकते हैं। तो कंजर्वेशन दिया गया, और इसके लिए आपको बताना है कि क्या होगा। कंजर्वेशन मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत लंबी होती है, और किसी चीज को आप शायरी के माध्यम से या गाने के माध्यम से किसी तक पहुंचा दें, तो कंजर्वेशन मतलब होता है बातचीत करना। और इसका जो पद रूप होगा वो होगा सॉन्ग, गाना। तो इसमें जो सी ऑप्शन में सॉन्ग लिखा हुआ है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखिएगा कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, बातचीत करना। दो लोगों के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो हम लोग क्या कहते हैं, आपस में कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सॉन्ग। सी ऑप्शन करेक्ट होगा 139 का। चलिए 138 की तरफ बढ़ते हैं। 40 की तरफ है, पिटी दिया गया है, सीरियस दिया गया है, YELL दिया गया है, और इसके लिए आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पिटी मतलब होता है नागण, पिटी मतलब क्या होता है, नागण। अब अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं PDF दूंगा, उसमें लिखा होगा, और उस PDF से आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपको पुनः देखने को मिल जाए। तो PETY पिटी मतलब होता है नागर्ण, मतलब छोटा सा हिस्सा, उसे नागर्ण कहा जाता है। और इसके लिए दिया गया सीरियस, और यहाँ पर सीरियस दिया गया, और इसका मतलब होता है अहम, नागर्ण और अहम, नागर्ण और अहम दिया गया। तो YEL वेल, यल का मतलब होता है यहाँ पर चीरना, YEL का मतलब क्या होता है, चीरना, और YEL का हो जाएगा यहाँ पर YELL का मतलब होता है चीखना। देखिए यहाँ पर जो 140 नंबर है, तो YELL का मतलब होता है चीखना, और विस्पर जो दिया गया WHISPER, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना, ठीक है। तो यहाँ पर विस्पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विस्पर मतलब ए ऑप्शन, और विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, और YELL का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। यहाँ पर मेंड के लिए पिच दिया गया है, तो वेंड के लिए आपसे पूछा जा रहा है। मेंड का मतलब होता है, मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना। मेंड का मतलब क्या होता है, मरम्मत करना, MEND मेंड, मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना, और PATCH पेच, पेच का मतलब भी मरम्मत करना होता है। दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, हिंदी में साइनोनिम्स को हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। तो मेंड का और जो यहाँ पर पिच दिया गया, ये दोनों का मतलब एक ही है। बेंड मतलब मोड़ना, किसी चीज को बेंड करना मतलब क्या होता है, मोड़ना होता है। और ट्विस्ट शब्द जो यूज किया जा रहा है, देखो अब कहानी में ट्विस्ट आया, तो कहानी में ट्विस्ट का मतलब हो कहानी में एक मोड़ आया, क्या आया, मोड़ आया। तो ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ आना, और बेंड का मतलब भी मोड़ आना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन बनेगा, ट्विस्ट डी को आप करेक्ट कर सकते हो 141 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सही बच्चे अपने अपने आंसर देते रहे भाई, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं लेकिन एग्जाम में आ चुके हैं। अब ये टफ इसलिए है क्योंकि आपको उसका हिंदी अर्थ नहीं पता, इसलिए आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपको दूंगा तो आपको यहाँ पर सारा कुछ पीडीएफ पे मिलेगा, जैसा कि लगातार आपको मिल रहा होगा। जो बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल रहा उसका कारण ये है कि वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हुए, तो जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए 142 की तरफ बढ़ चुके हैं। फिशेस के लिए एक्वेरियम, फिशेस को मछलियों को हम कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम में रखते हैं। तो वर्ड्स को क्या रखते हैं? अवेरी में रखते हैं, अपेरी में रखते हैं, वायरी में रखते हैं, ड्रे में रखते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए 142 का स्क्रीन पर, 142 का आंसर दीजिए। 142 का राइट आंसर बनेगा ए, एवरी, ए वी आई ए आर वाई, एवरी में हम लोग बर्ड्स को रखते हैं, चिड़ियों को रखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सही बच्चों के मोटिवेशन वीडियो डीके रेखा पाल, और यहाँ पर सृष्टि शर्मा, सुभी सचान, रोहित कुमार और रेखा पाल, अमन आर कुशवाहा, मीरा प्रजापति, सही बच्चों के हम आंसर देख रहे हैं, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं। द यहाँ पर दिया गया है, देखिए 143 में दिया गया है द कोलोसियम कहाँ पर है? इटली में। ये क्या है? एक ऐतिहासिक धरोहर है इटली की। ये यहाँ पर जैसे अपने यहाँ कुतुब मीनार है, ताजमहल है, लाल किला है, वैसे ही इटली में जो एक इमारत है उसे बोला जाता है द कोलोसियम। वैसे PETRA पेट्रा, पेट्रा जो है ये भी एक इमारत का ही नाम है, परंतु आपको ये बताना है कि ये इमारत किस देश में है? मेक्सिको में है, या जॉर्डन में है, या जर्मनी में है, या फिर ब्राजील में है? जल्दी से आंसर दीजिए। 143 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो 143 का राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। देखिए ये जो पेट्रा जो एक जो है ऐतिहासिक जो है इमारत है, और ये जो है ये जॉर्डन देश में है, ठीक है, जॉर्डन में, JORDAN में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है भारत नाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन जो आप इस समय देख रहे हो 144वां क्वेश्चन, ये आपने शायद एग्जाम दिया होगा या आपने बुक्स का प्रयोग किया होगा, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर बुक्सों में आपको मिलेगा। कुचिपुड़ी तमिलनाडु, यहाँ पर भरतनाट्यम दिया गया है तमिलनाडु, तो कुचिपुड़ी के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य होगा, भारत का राज्य है तो कुचिपुड़ी के लिए क्या राइट होगा? तो कुचिपुड़ी आपको पता है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बहुत बच्चे सी ऑप्शन दे भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एरर के लिए ब्लंडर दिया गया है, तो एक्सीलेंट के लिए आपको बताना है। एरर मतलब होता है गलती, गलती करना एरर कहलाता है, ब्लंडर मतलब बड़ी गलती करना, है ना, ब्लंडर मतलब क्या होता है? बड़ी गलती करना। तो एक्सीलेंट मतलब होता है बड़ा। अब एक्सीलेंट का जो छोटा रूप होगा वही आंसर बनेगा। तो एस्टिपेटेबल दिया गया है, एक्सेल दिया गया है, अनसेटिस्फैक्ट्री दिया गया है, स्प्लेंडेड दिया गया है। आपको बताना है 145 का राइट आंसर क्या बनना चाहिए। तो 145 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्लेंडेड मतलब होता है छोटा, मतलब जो है स्प्लेंडर मतलब होता है, एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्प्लेंडेड का मतलब होता है, स्प्लेंडेड मतलब होता है बढ़िया तो, बट बहुत बढ़िया नहीं, बढ़िया तो परंतु बहुत बढ़िया नहीं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देखो बहुत बच्चे डी दे भी रहे, इनको अच्छे से नॉलेज है इन शब्दों का, तो वो आंसर दे भी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 146 की तरफ। 146 नेक्स्ट के लिए बर्थ, नेक्स्ट मतलब घोसला, घोसले में कौन रहता है? बर्थ लेते, तो लॉयन कहाँ रहता है? आपको सभी को पता है गुफा में रहता है, गुफा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डैन कहते हैं, DEN डैन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, तो डी को आप टिक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें किसी प्रकार की आपको मिस्टेक की कोई गुंजाइश हमें नहीं लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर विस्की के लिए दिया गया डिस्टिलरी, तो ब्रिट के लिए आपको बताना। देखो विस्की मतलब होता है शराब, विस्की मतलब क्या होता है? शराब। शराब कहाँ बनती है? डिस्टिलरी में बनती है। डिस्टिलरी का मतलब क्या होता है? जहां पर शराब का निर्माण होता है उस जगह को डिस्टिलरी कहा जाता है। ब्रेड कहाँ पर बनती है भाई? ब्रेड जिसको हम लोग खाते हैं, ज्यादा ना खाना नहीं तो मोटे हो जाओगे, तो ब्रेड जो है वो बेकरी में खाई जाती है। कहाँ खाई जाती है? बेकरी में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, सी को आप टिक कर सकते हो। रवि यादव जी गुड इवनिंग है आपको, अंजलि देवी जी डी कह रही हैं, मीरा प्रजापति जी सी कह रही हैं, सृष्टि शर्मा ने भी सी कहा, बेकरी। चलिए 147 के बाद 148 की तरफ बढ़ते हैं। 148 प्रोड्यूस के लिए वेस्ट दिया गया, प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना और वेस्ट मतलब होता है खत्म करना, खत्म करना, है ना।
कंट्रास्ट का मतलब होता है फर्क डालना। जब कोई चीज पर हम कंट्रास्ट करते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है। जैसे आपको आप देखते होंगे टीवी में एक ऑप्शन आता है कलर में कंट्रास्ट का, तो कंट्रास्ट कलर जब क्या आता है तो वो पिक्चर जो बैकग्राउंड में पिक्चर होती है और जो जो व्यक्ति वहां पर होते हैं उनके कलर में फर्क आना स्टार्ट हो जाता है। तो कंट्रास्ट का मतलब होता है फर्क आना। तो फर्क आने का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना, वेस्ट मतलब खत्म करना, तो ये दोनों विपरीत थे। अब फर्क करना हो गया, कंट्रास्ट मतलब फर्क करना, तो फर्क करने का विपरीत जो होगा वो आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है करेक्ट। और इसके बाद दिया गया है यहाँ पर मैच, तो कंट्रास्ट का मतलब फर्क डालना, तो मैच का मतलब मिलाना, तो मिलाना मीन्स मैच इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 के बाद 149, ग्राम के लिए ग्रेन दिया गया है, तो यहाँ पर पाउंड के लिए आपको बताना है क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का देखो पाउंड मतलब तो ये तो वेट में यूज किया जाता है, पाउंड शब्द का यूज वेट में होता है। ग्राम मतलब होता है चना, ग्रेन मतलब होता है अनाज। ग्राम मतलब क्या होता है, चना, जी आर ए एम, ग्राम मतलब चना, और ग्रेन मतलब इसको ग्रेन को कहते हैं हिंदी में अनाज, अनाज। पाउंड मतलब वेट के लिए यूज होता है, तो वेट ऑप्शन नंबर हमें बी पे दिख रहा है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बी को आप यहाँ पर प्रमोद सैनी कह रहे हैं नाम लो सर, बिल्कुल प्रमोद जी आपका नाम लेते हैं, नमस्ते सर जी, धन्यवाद, खुश रहो बेटा प्रमोद सैनी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 150 की तरफ। फुट ट्वाइस दिया गया है, तो हैंड के लिए आपको बताना, पैरों में क्या होते हैं, अंगूठे होते हैं या उंगलियां होती हैं, तो हैंड में क्या होता है, थंब होता है, पाल्म होता है, फिंगर्स होता है या नेल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर थंब और यहाँ पर पाल्म मतलब हथेली, नेल्स मतलब नाखून, फिंगर्स मतलब उंगलियां। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो ए बनना चाहिए, थंब, टी एच यू एम बी, थंब मतलब अंगूठा, क्योंकि वहां पर ट्वाइस भी अंगूठा ही होता है पैरों के केस में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो आयोग ने दिया है वो फिंगर्स दिया है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बट होना चाहिए यहाँ पर ए ऑप्शन, बट आयोग ने सी दिया है तो हम सी बताएंगे, फिंगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी को आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। 151वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट क्या है, चोटी है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, यमुना जो है वो रिवर है, चिल्का जो है वो लैक है, स्पैरो जो है वो बर्ड है, और जुपिटर क्या है, प्लैनेट है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनना चाहिए 150 का, 151 का। तो देखिए जुपिटर क्या है, प्लैनेट है, यमुना रिवर है। देखो एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी होती है, अब यहाँ पर ये मत सोचना कि सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही दिख रहे होंगे आपको, यमुना रिवर भी आपको पता है, चिल्का लेक मतलब झील भी है ये भी आपको पता है, स्पैरो बर्ड है, स्पैरो बर्ड जो है चिड़िया का नाम है ये भी पता है, सही है, जुपिटर प्लैनेट है ये भी पता है सभी लोगों को। लेकिन यहाँ पर आप देखो एवरेस्ट और पीक, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सबसे जो बड़ा होगा उसी को माना जाएगा, और सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर और प्लैनेट, तो जुपिटर और प्लैनेट जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, डी ऑप्शन को यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 152 की तरफ, 152वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउथ के लिए इंसेक्ट दिया गया है, तो माउस के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर एम ओ टी एच मॉट के लिए इंसेक्ट दिया गया है, तो आपको बताना है माउस के लिए, तो देखो चूहा जो होता है माउस उसको कहते हैं चूहे को, और चूहा क्या होता है वो रोडेंट होता है, रोडेंट मतलब होता है कृतंक प्राणी है, कृतंक का मतलब होता है जो अपने दांतों से चीजों को काट सकता है, उसे क्या कहते हैं, कृतंक प्राणी कहते हैं। तो रोडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ए को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, और 152 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सुमित कुमार जी कह रहे हैं बी, बहुत बढ़िया, जुपिटर, जीके रेलवे, रवि यादव जी ए, अंजलि देवी जी बी कह रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, नाइट ब्लाइंडनेस साइट का लिए दिया गया है, स्पीच के लिए आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं, रात में ना दिखना ही नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए क्या दिया गया है, साइट, साइट मतलब आंखों में ना दिखना ही नाइट ब्लाइंडनेस है। तो बोलने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर टॉल्क मतलब तो बातचीत होता है, स्टर्टर मतलब होता है गूंगा, गूंगा या जो ना बोल पाए, है ना, तो यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस और साइट के आधार पर स्टर्टर जो दिया गया है बी ऑप्शन,
वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो आप यहाँ पर बी को टिक कर सकते हो, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 153 के बाद हम लोग 154 की तरफ बढ़ते हैं। 143 की तरफ दिया गया सर्कुमेंट के लिए बाईपास दिया गया है, तो कॉम्प्रेसिबल के लिए आपको बताना है। देखिए सर्कुमेंट का मतलब होता है बाहर से निकलना किसी भी चीज, अगर आप जैसे किसी शहर में जा रहे हो, शहर के अंदर बिना जाए बाहर से निकल जाते हैं तो उसको कहते हैं सर्कुमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। और बाईपास भी होता है किसी भी चीज को बाहर से निकालना, शहर के अंदर से ना होकर के बाहर से निकालना ही बाईपास होता है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्रेसिबल का लिए आपको बताना, देखो दोनों ये शब्द जो दिए गए हैं दोनों ही शब्द एक दूसरे से रिलेटेड थे, सर्कुमेंट और बाईपास। तो कॉम्प्रेसिबल का लिए दिया गया, तो कॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है यहाँ पर समझने योग्य। कॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? समझने योग्य। और समझने योग्य के लिए देखें यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल दिया गया है, अनक्लियर दिया गया है, ग्रेस्पिंग दिया गया और एप्रिशिएंट दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल का मतलब भी होता है समझना योग्य, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ए को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो 154 का। कृष्ण शर्मा जी ने आंसर दे दिया है, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 154 के बाद 155 की तरफ। एवलेंस के लिए आपको दिया गया है आइस, तो वल्कनो के लिए आपको दिया बताना है कि क्या होगा। देखिए एवलेंस मतलब होता है यहाँ पर, एवलेंस के लिए आपको आइस दिया गया है, तो आपको बताना है कि वल्कनो के लिए क्या होगा। बहुत बढ़िया, आइस मतलब आप जानते ही हैं ठंडा होता है, बर्फ होती है, और यहाँ पर वल्कनो के लिए होगा लावा सैंड। तो यहाँ पर इसका आंसर 155 का लावा होना चाहिए। वल्कनो एक जो है ज्वालामुखी का नाम है और उससे क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो लावा ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 155 का। ए को करेक्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। चलिए 156 की तरफ बढ़ते हैं, 156वें क्वेश्चन की तरफ। 156 आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर 156 में दिया गया है आपको, इसके लिए आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको दिया गया टेरेस्ट्रियल के लिए दिया गया है एंड, तो एम्प्रेसिबलेंस के लिए आपको बताना है कि क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे सेंड करिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 156 स्क्रीन पर है, तभी यादव ने सी आंसर टिक कर दिया। बिल्कुल सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फ्रॉक्स मतलब मेढक, मेढक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 157 157वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 157वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यूएसए के लिए डॉलर दिया गया, तो टर्की के लिए आपको बताना है क्या होगा। तो यूएसए में आप समझते हैं यूएसए की मुद्रा क्या है? डॉलर है। तो टर्की की मुद्रा आपको बतानी है 157वें क्वेश्चन में, तो टर्की की मुद्रा जो है वो लीरा है, LIRA लीरा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये तो आपका जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसकी जानकारी तो आपको पहले से ही होगी और अच्छे से जानकारी इस चीज की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 157 के बाद 158 की तरफ, 158वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, कल भी एक क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का, और बॉक्सिंग जो है वो रिंग में होती है। अभी इसके पहले एक बॉक्सिंग संबंधित क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो बॉक्सिंग कहाँ पर होती है? रिंग में होती है। तो रिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ बढ़ते हैं, 159वें क्वेश्चन की तरफ। स्टैग, कॉक और हैन, तो कॉक मतलब हिरन, वो जो मुर्गी होती है, और हैन मतलब होता है मुर्गा, ठीक है। और यहाँ पर स्टैग मतलब होता है हिरन और हिंड मतलब होता है हिरनी, है ना। तो हिंड HIND हिंड मतलब होता है हिरनी और स्टैग मतलब होता है हिरन, ठीक है। कॉक मतलब होता है मुर्गा और हैन मतलब होता है मुर्गी, ठीक है। तो यहाँ पर हिंद HIND इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, ये आसान क्वेश्चन था। 160 वेस्ट बंगाल कोलकाता, तो मेघालय के लिए क्या होगा? मेघालय के लिए आपको बताना है 160 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और मेघालय के लिए शिलोंग, शिलोंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भी आपको पता होगा, जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। शिलोंग को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, शिलोंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 160 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 161 की तरफ बढ़ते हैं, 161वें क्वेश्चन की तरफ। आर्टिफैक्ट का दिया गया है म्यूजियम्स, तो बुक्स के लिए आपसे पूछा जाए, तो बुक्स के लिए आपको पता है लाइब्रेरी शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। लाइब्रेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखिए ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन है जिनमें किसी प्रकार की आपको समस्या होने ही नहीं वाली है। देखिए ये क्वेश्चन तो देख करके ही हमें आंसर उनके उनके आंसर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं,
बुक्स के लिए क्या होगा, स्कूल बुक शॉप सेल्फ या लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 161 का। 162 की तरफ बढ़ते हैं। 162 के लिए आपको दिया गया है यहाँ पर कि क्वेश्चन है कि कंटेम्पररी के लिए हिस्टोरिक दिया गया है, तो एंशियंट के लिए क्या होगा। एंशियंट का मतलब होगा मॉडर्न, मॉडर्न हिस्ट्री को या एंशियंट हिस्ट्री। तो मॉडर्न इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन को आप यहां पर टिक कर सकते हो। और देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन इस समय हम लोग कर रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि इन क्वेश्चन में हमें समस्या हो सकती है एग्जाम में टाइम पे। क्यों हो सकती है, क्योंकि जो पोर्शन हम लोगों का वीक होता है, इंग्लिश पोर्शन बच्चों का ज्यादातर लोगों का वीक होता है, जो रेलवे की तैयारी करते हैं या पुलिस की तैयारी करते हैं या ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती, तो उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन दिक्कत दे सकते हैं। अगर एग्जाम में आएंगे और अगर क्लियर नहीं है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन कल कराए थे 4-5, और आज तो भयंकर टाइप के आ रहे हैं। आप देख रहे हो, शायद आप बोर भी होने लगे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, लेकिन बोर नहीं होना है आपको, इन क्वेश्चंस को समझना है। नहीं आ रहे हैं तो आपको पढ़ना है, पीडीएफ मिलेगा, हिंदी सहित मिलेगा, इंग्लिश का हिंदी अर्थ होगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ पूछ लिया जाए और आप उनका उत्तर दे आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 163 की तरफ। 163वां क्वेश्चन, वोल्ट मीटर वोल्टेज। अब देखो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, वोल्ट मीटर वोल्टेज तो एमीटर के लिए क्या होता है, करंट होता है। और बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यदि आएगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 164 की तरफ। 164वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कार के लिए पेट्रोल। अब देखो इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, तो लोकोमोटिव के लिए क्या होगा, लोकोमोटिव के लिए क्या होगा, इंजन होगा, फायर होगा, कोल होगा या स्मोक होगा। तो लोकोमोटिव के लिए क्या होगा, कोल, कोयला। कोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकोमोटिव किससे चलता है, कोयले से चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा 164 का सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। चलिए 165 की तरफ बढ़ते हैं, 165वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिवर के लिए बैंक दिया गया है, तो सी के लिए आपको बताना है क्या होगा। रिवर के लिए बैंक, देखो रिवर के लिए बैंक शब्द का यूज किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर सी के लिए किस शब्द का यूज किया जाएगा, सी मतलब समुद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, शोर, SHORE, शोर शब्द का यूज किया जाएगा। जिस प्रकार से कई नदियों के मिलने को बैंक कहा जाता है, उसी प्रकार से सी को कहा जाता है SHORE, शोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ, 166वें क्वेश्चन की तरफ। फिश के लिए शॉल दिया गया, तो गुड्स के लिए क्या होगा, तो गुड्स के लिए स्टॉक होगा, STOCK, स्टॉक। गुड्स के लिए क्या यूज किया जाएगा, स्टॉक, STOCK, स्टॉक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। चलिए 167 की तरफ बढ़ते हैं, 167वें क्वेश्चन के लिए। वेकेंट के लिए इम्पटी दिया गया, तो सीडेट के लिए आपको बताना है क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए 167 के लिए। कॉल्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, CALM, कॉल्म। कॉल्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। जल्दी सही बच्चे आंसर बताते रहे भाई, सही बच्चे। 166 का बी आंसर आ रहा है पिछले क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। सुमित कुमार जी ने ए दिया है, और इस क्वेश्चन का आंसर कैट दे रहे भाई, कैट नहीं होगा भाई, कॉल्म होगा, CALM। 168 की तरफ बढ़ते हैं, 168वें क्वेश्चन की तरफ। लिसन का ये अंडरस्टैंड दिया गया, तो रेस्ट के लिए दिया गया। लिसन अंडरस्टैंड, बात बोल सुनना और समझना। लिसन मतलब क्या होता है, सुनना, और अंडरस्टैंड मतलब समझना, रेस्ट मतलब आराम, और रिजिवेंटिव जो दिया गया डी ऑप्शन में, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, है ना। चलिए 169 की तरफ बढ़ते हैं, 169वें क्वेश्चन की तरफ। 169वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 169वां क्वेश्चन। इरिडिकेट के लिए डिस्ट्रॉय दिया गया, इरिडिकेट का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयड। तो प्लेजर का आपके लिए, प्लेजर शब्द के लिए आपको बताना है कि क्या होगा। तो प्लेजर, देखो यहाँ पर जो इरिडिकेट का डिस्ट्रॉय, इरिडिकेट में इसका मतलब भी खत्म करना होता है, और डिस्ट्रॉय का मतलब भी खत्म करना होता है। प्लेजर मतलब होता है खुशी, या डिलाइट का मतलब भी होता है खुशी या अच्छा लगना, है ना, बहुत ही डिलाइट, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर डिलाइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, डी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 170 की तरफ। 170 बो एरो, बो मतलब धनुष, एरो मतलब तीर। तो बुलेट किससे चलती है, गन से चलती है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन,
तो इनमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर लोगे। तो बुलेट क्या से चलती है? गन से चलती है। तो गन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बी को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। 171 की तरफ बढ़ते हैं, 171 लेफ्ट और राइट जो है ये एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पर वर्टिकल का विपरीत बताना है, तो वर्टिकल का विपरीत जो होगा वो हॉरिजेंटल होगा। बी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक करोगे, हॉरिजेंटल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ बढ़ते हैं। 172वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वॉल के लिए ब्लॉक, ब्लॉक मतलब होता है ईंटों को भी कह सकते हैं, पीएलओसी के ब्लॉक। विंडो के लिए, वॉल मतलब दीवार को बनाने के लिए ब्लॉक का यूज किया जाता है। तो विंडो को बनाने के लिए किसका यूज किया जाएगा? स्टील, ओपन एयर और ग्रेज। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। विंडो के लिए क्या होना चाहिए? तो विंडो के लिए, विंडो का क्या मतलब होता है? ओपन करना होता है। तो ओपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। ओपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई, ओपन, OPEN। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हैंड ग्लव, हैंड कहाँ पहना जाता है? ग्लव। हैंड में क्या पहना जाता है? ग्लव्स पहने जाते हैं। तो हेड में क्या पहना जाता है? शॉवर कैप, है ना, शॉवर कैप। कैप पहनी जाती ना सर को ढकने के लिए, कैप। तो शॉवर कैप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ बढ़ते हैं। बी और स्टिंग, बी क्या करती है? स्टिंग करती है, अपने डंक को मारती है। स्टिंग मतलब क्या होता है? डंक। बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? अपने डंक को मारती है। तो स्नेक क्या करता है? सांप क्या करता है? वो काटता है। क्या करता है? काटता है। तो क्या करता है? बाइट करता है। बी आई टी ई, बाइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, बाइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए 175 की तरफ बढ़ते हैं, 175वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्ट का संबंध कार्डियोलॉजी से, हार्ट का संबंध कार्डियोलॉजी का है से है। तो बोन मतलब हड्डियों का संबंध किससे होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। ऑर्थोपेडिस्ट इसको बोलते हैं, बोन के लिए ऑर्थोपेडिस्ट शब्द का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 175 का राइट आंसर जो बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन कि हार्ट को किसमें अध्ययन किया जाता है, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। अब ये भी नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है मेरे बच्चों। बोन के लिए होगा ऑर्थोपेडिस्ट, ए ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ। वोल्केनो, देखो एक बार फिर से, अभी हमने बात की थी, क्वेश्चन अभी पीछे आया था, में लावा शब्द, लावा आंसर निकला था। तो वोल्केनो जो है वो जो है ज्वालामुखी है, और इससे क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो फायर आग से क्या निकलते हैं? बर्न, स्मोक, लाइट या फ्लेसेस। आपको बताना है इसके लिए क्या होगा। तो जब हम लोग आग जलाते हैं तो उसमें स्मोक, स्मोक मतलब क्या होता है? धुआं निकलता है। तो स्मोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, धुआं, स्मोक। बी ऑप्शन को आप यहां पर टिक कर सकते हो, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 177 की तरफ बढ़ते हैं। 177 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर 177 पर दिया गया टर्बिड का लिए क्लियर दिया गया है, और यहाँ पर एपरेंट के लिए आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 177 का जो राइट आंसर मेरे बच्चों है वो है सी ऑप्शन, ऑब्जिकोयर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये ग्रुप डी में आ चुका, इसके पहले एसएससी जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 177 के बाद 178 की तरफ, 178वें क्वेश्चन की तरफ। वेट के लिए लिंगर शब्द का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर बाइट के लिए किस शब्द का यूज किया जाएगा? ईट के लिए, ग्नैप के लिए, हिस के लिए या मुरमुर के लिए? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए 178 के लिए। तो GNAW, ग्नैप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाइट के लिए GNAW, ग्नैप, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 178 का। 179 की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ के लिए बॉल शब्द का यूज किया जा रहा है, तो पैनकेक के लिए किस शब्द का यूज किया जाएगा? पैनकेक। पैनकेक जो होता है वो डिस्क की तरह होता है, डिस्क की तरह, मतलब एक डिस्क जो गोल होती है, सीडी डिस्क जिसको बोलते हैं, उसकी तरीके से होते हैं। तो अर्थ जो है वो गेंद के समान होती है, गोल होती है। पैनकेक जो होता है वो, पैनकेक जो होता है वो किसकी तरह होता है? डिस्क की तरह होता है, गोल। 180 की तरफ बढ़ते हैं। 180वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे बच्चों आ चुका। वांट के लिए यार्न का लिया है, यार्न शब्द यूज किया जाए, तो पनिश के लिए किस शब्द का यूज किया जाएगा? तो यहाँ पर पनिश के लिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा।
देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करवा रहा था क्योंकि ये क्वेश्चंस हो सकता है दिक्कत कर सकते हैं और यूथ पब्लिकेशन की बुक में है भी, और ये पिछले रेलवे के एग्जाम में देखिए ज्यादातर ग्रुप डी में ही पूछे गए हैं। आप ये भी देखिए, ये भी ग्रुप डी का ही है। तो भैया ग्रुप डी का एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम से भी टफ पिछले बार हुआ था, तो उसी प्रकार की तैयारी लेकर के ही आप सभी बच्चों चलिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले एग्जामों में आपको दिक्कत हो जाए। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस एक बार पुनः याद करके चलिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों मैंने देखे हैं जो पिछले ग्रुप डी का एग्जाम जो हुआ था उसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी ऐसा ही हुआ था। तो रेलवे अपने क्वेश्चंस रिपीट मारता है, इसलिए आप तैयार रहिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पुनः ये पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 181 की तरह। अब देखिए ये क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं देने वाले, हिंदी से संबंधित आ गया है। तो कह रहा है हृदय का संबंध जो है वो कार्डियोलॉजी से है, तो वही संबंध वक्र का किससे होगा, वक्र का किससे होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे टिक करिए, 181 का बहुत से हमने बताए हैं, अब आपका नंबर है और आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हो कि वक्र का संबंध किससे होगा, न्यूक्लियर मेडिसिन से, नेफ्रोलॉजी से, रोमेटोलॉजी से या न्यूरोलॉजी से। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो मेरे बच्चों बनेगा वो बी बनेगा, नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी होता नहीं क्योंकि न्यूरोलॉजी के में ब्रेन का अध्ययन किया जाता है, तो नेफ्रोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 181 के बाद हम लोग 182 की तरफ पढ़ते हैं। दस्ताना कहाँ पहने जाते हैं, हाथ में पहने जाते हैं, उसी प्रकार से टोपी कहाँ पहनी जाती है, सिर पर पहनी जाती है। तो देखिए ये 182 कितना आसान है बताओ, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, देखो किसमें पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया। अभी हमने आपसे क्या बताया कि एनटीपीसी सरल और ग्रुप डी जबकि लोअर पोस्ट है एनटीपीसी से, लेकिन फिर भी वहां पर क्वेश्चन आसान एनटीपीसी में और वहां पर टफ क्वेश्चन, आप समझ लीजिए ये है। तो यहाँ पर दस्ताना हाथ में पहना जाता है, तो उसी प्रकार से टोपी कहाँ पहनी जाती है, सिर पर पहनी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा सिर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 184 की तरफ। HGP का संबंध KMS से है, तो CDA का संबंध किससे होगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 184 क्वेश्चन है और यहाँ पर HJP दिया गया है, और इसके लिए क्या दिया गया है मेरे बच्चों, आपको दिया गया है KMS। तो आपको बताना है कि CDA के लिए क्या होगा, CDA के लिए आपको बताना है कि CDA के लिए क्या होगा। देखो यहाँ पर 8 से 11 हुआ है तो 3 बड़ा है, J से 13 हुआ है तो 3 बड़ा है, और यहाँ पर P से 19 हुआ है मतलब 16 से 19 हुआ है तो 3 बड़ा, तो सब 3-3 बढ़ रहे हैं, तो इनको भी 3 ही 3 बढ़ा देंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 3-3-6 F हो जाएगा, 4-3-7 G हो जाएगा और 1-3-4 D हो जाएगा। तो FGD ऑप्शन नंबर D पर है, D ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 184 के बाद 185 की तरफ। घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो कार का है किसके साथ, तो कार का संबंध ब्रेक से है, पहिया से है, स्टेयरिंग से है या इंजन से है। 185 का जो सही आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, क्या बनेगा, पहिया। घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो पहिए का या स्टेयरिंग, सॉरी पहिया नहीं स्टेयरिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, पहिया नहीं स्टेयरिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। टिंका देवी डी कह रही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 186 की तरफ, 186वें क्वेश्चन की तरफ। हिनहिनाने का संबंध घोड़े से है तो मिमियाने का संबंध किससे होगा, तो मिमियाने का संबंध बकरी से, कुत्ता तो मिमियाता नहीं है, भालू मिमियाता नहीं, गधा मिमियाता नहीं, तो मिमियाता कौन है, बकरी मिमियाती है। तो मिमियाने का संबंध किससे होगा, बकरी से होगा, बकरी को आप टिक कर सकते हो, बकरी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार से चीन का संबंध किससे होगा, तो भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली है, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। बीजिंग सी ऑप्शन में दिख रहा है मेरे बच्चों, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 187वें क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आर्यन मिश्रा भी डी आंसर दे रहे हैं, टोक्यो नहीं है भाई। गार्डन का संबंध गार्डनर से है, गार्डनर मतलब क्या होता है, बगीचा, और गार्डनर का मतलब क्या होता है, माली, ठीक है। तो म्यूजियम के लिए कौन होता है, क्यूरेटर होता है, म्यूजियम की देखभाल कौन करता है, क्यूरेटर। जैसे पिच की भी देखभाल, जो मैदान की जो पिच होती है जिस पर क्रिकेट खेला जाता है उसकी भी जो देखभाल क्यूरेटर करते हैं, तो क्यूरेटर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर सकते हो। तो म्यूजियम की देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता है, क्यूरेटर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 189 की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर का संबंध इम्फाल से है, उसी तरह से नागालैंड का संबंध किससे होगा? नागालैंड। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सबमिट करिए भैया। 189 क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे सबमिट करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं 189 के आंसर का कि आप लोग क्या आंसर देते हैं। 189 सभी के कमेंट्स में देख रहा हूं। जल्दी सभी बच्चे आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। डी आंसर दे रहे हैं कोहिमा, नागालैंड के लिए। यहाँ पर सृष्टि शर्मा ने डी आंसर दिया है, डीके ने डी दिया, मीरा प्रजापति ने डी दिया है, आर्यन मिश्रा ने डी दिया है। कॉपी तो नहीं कर रहे हैं आर्यन मिश्रा दूसरे का। रेखा पाल डी दे रही है। यहाँ पर शुभम इंडियन फायर गेमिंग ने भी डी दिया है, बिल्कुल सही। प्रियंका देवी भी डी दे रहे हैं, डी करेक्ट है। कोहिमा नागालैंड के लिए क्या है? कोहिमा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर 189 के बाद 190 की तरफ, 190 की तरफ। चर्च के लिए ईसाई जिस तरह संबंधित है, उसी तरीके से सिनागॉग के लिए क्या होगा? सिनागॉग, सिनागॉग पारसियों का तीर्थ स्थल होता है, जहां पर पूजा स्थल होता है। चर्च जो है वो ईसाइयों का पूजा स्थल है, उसी प्रकार से सिनागॉग जो है ये पारसियों का जो है ये पूजा स्थल के इस जगह को यहाँ पर सिनागॉग कहा जाता है पारसियों के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। 191 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का क्या है। प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे का विपरीत है, उसी प्रकार से पारदर्शी का विपरीत आपको बताना पड़ेगा बच्चों। तो पारदर्शी मतलब जिसके आर पर हम देख सकते हैं, और अपारदर्शी मतलब जिसके आर पर हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अपारदर्शी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, तो डी को आप यहां पर टिक कर सकते हो। चलिए 191 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट का संबंध बल्ले से है, क्रिकेट किससे खेला जाता है? बल्ले से खेला जाता है। तो टेनिस का संबंध किससे होगा? तो टेनिस का संबंध जो होता है वो रैकेट से होता है, रैकेट। ऑप्शन नंबर डी, रॉकेट ना कहना, रैकेट बोला जाता है। रॉकेट नहीं, हवा वाले वो ऊपर वाला जो जाता है वो अंतरिक्ष वाला रॉकेट से नहीं, रैकेट से खेला जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। मोटिवेशन कह रहे सर ग्रुप डी एग्जाम 17 अगस्त को है, इसलिए आपसे निवेदन है कि मेन मेन टॉपिक खत्म कर दीजिए। अच्छा भैया, प्रयास तो जारी है कि जल्दी जल्दी सारा कुछ खत्म किया जाए, सारा कुछ ही मेन है मोटिवेशन वीडियो। आप अगर आप बात करें तो रेलवे के एग्जाम में ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये पता है जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे 4 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हुआ फिर, तो अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में अगर रखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट तो फिर यही होगा मेरे बच्चा, 4 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इससे, इस टॉपिक से जो पढ़ रहे हो। और इस चीज को कोई पढ़ता ही नहीं है, इसको अनदेखा कर देता है, और एग्जाम में जब आता है तो मुंह आता है या तो खपड़ी खजवाता है, और जिसके अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 193 की तरफ। 193वां क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन करिए जो दक्षिण अफ्रीका शब्द से उसी तरीके संबंधित जिस तरीके से पार्शियल शब्द ईरान से संबंधित है। तो दक्षिण अफ्रीका देश, पुर्तगाली अफ्रीका या अंग्रेजी देश पुर्तगाली। देखिए यहाँ पर पार्शियल शब्द ईरान से संबंधित, उसी प्रकार से सेम उसी वे में बताना है कि दक्षिण अफ्रीका शब्द किससे संबंधित है, देश से है या पुर्तगाली से है या अफ्रीका से है या अंग्रेजी से। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सेंड करिए, जो क्वेश्चन में सभी की कमेंट्स जो है इस समय देख रहा हूं कि कौन क्या आंसर देगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। 193वां क्वेश्चन का राइट आंसर कितने बच्चों को पता है, जल्दी से आंसर दीजिए। 193वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फास्ट आंसर सबमिट करिए। 193 का सही बच्चे बताइए कि 193 का क्या आंसर बनेगा। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। 193वां क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, बी मीरा प्रजापति बी कह रही है, सृष्टि शर्मा सी कह रही है। पार्शियन जो है एक भाषा है जो ईरान में बोली जाती है, ईरान में जो है पार्शियन भाषा बोली जाती है। याद रखिएगा पार्शियन कोई जगह का नाम नहीं है या लोगों का नाम नहीं, एक भाषा का नाम है। तो पार्शियन शब्द ईरान में बोली जाने वाली एक भाषा है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो भाषा बोली जाती है वो देश या पुर्तगाली या अफ्रीका नहीं, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, डी। आर्यन पाल कह सर हम आपकी सर्च कर रहे थे, आप काफी दिन बाद हमें मिले हो। अच्छा आर्यन पाल जी,
कोई बात नहीं। ई लर्निंग विद पीयूष जायसवाल 193 का सी कह रहे थे, अफ्रीका नहीं भाई, डी ऑप्शन करेक्ट है, अंग्रेजी, अंग्रेजी करेक्ट है भाई, अंग्रेजी डी ऑप्शन, ठीक है। देखो ये पार्सियन एक भाषा है, भाषा है, आप किसी और वे में इसको मत लीजिए। अफ्रीका ईरान में बोली जाने वाली भाषा है पार्सियन, दक्षिण अफ्रीका में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में आता है दक्षिण अफ्रीका, तो क्या पार्सियन महाद्वीप में ईरान आता है क्या? पार्सियन कौन सा महाद्वीप है, आप ये भी तो सोचिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय का निम्नलिखित से वही किस, आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आय का संबंध किससे, तो व्यय में क्या किया जाता है, ईएमआई का भुगतान किया जाता है। जब हम ईएमआई का भुगतान करते हैं तो क्या करते हैं, व्यय करते हैं, खर्च करते हैं ना, पैसा खर्च करते हैं। तो जब हमें आय होता है तो क्या होता है, हम लोगों को प्रॉफिट होता है, क्या होता है, लाभ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 194वां क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं। चलिए 195 की तरफ बढ़ते हैं, 195 का धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से, तो ऑमलेट किससे बनता है, अंडे से बनता है। तो धातु से क्या बनता है, अयस्क, लोहा, सोना या एल्यूमिनियम, चलिए बताइए धातु का संबंध किससे होगा। ऑमलेट बनता है किससे, अंडे से, देख रहा है कि जो ऑमलेट का अंडे से ही, तो धातु किससे बनता है, अयस्क से बनता है, लोहे से बनता है, लोहा स्वयं एक धातु है, सोना स्वयं एक धातु है, एल्यूमिनियम स्वयं एक धातु, तो अयस्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो मेरे बच्चों, ए करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर दे भी रहे हैं, सोल्जर्स बॉय भी दे रहे हैं 195 का ए, बहुत बढ़िया, अयस्क राइट आंसर है, आर्यन मिश्रा भी ए दे रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं पक्का। 196 की तरफ बढ़ते हैं, आरी का संबंध लकड़ी से है, उसी प्रकार से चाकू का संबंध किससे होगा, तो आरी से क्या काटी जाती है, लकड़ी काटी जाती है, तो चाकू से क्या काटा जाता है, चाकू से सब्जियां काटी जाती हैं, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए 197 की, आर्यन पटेल सर हम सूर्या कोचिंग के आपके पुराने स्टूडेंट हैं। अच्छा भैया आर्यन पटेल कहाँ से हो, फतेहपुर से हो या कानपुर से हो? आपूर्ति का मांग से उसी प्रकार से संबंध है, आपूर्ति का मांग से उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार से उत्पादन का क्या है। देखो आपूर्ति की जाती है जब मांग होती है, तो उत्पादन जब किया जाता है जब क्या होता है, उपभोग होता है, क्या होता है, उपभोग, जब हम उपभोग करेंगे मतलब हम उसका यूज करेंगे तब क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, 197 का डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठंडे का संबंध रेफ्रिजरेटर से, 198 ठंडे का संबंध रेफ्रिजरेटर से है, तो गर्म का संबंध किससे होगा, एयर कंडीशनर, आग, ग्राइंडर या ओवन। चलिए गर्म का संबंध किससे होगा, गर्म का संबंध एयर कंडीशनर से तो होगा नहीं, ठीक है, आग से हो सकता है, ग्राइंडर से होगा नहीं, ओवन से होगा नहीं, तो आग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन को टिक कर सकते हो मेरे बच्चों, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपकी पढ़ाई रीजनिंग हमें समझ में आती थी, अच्छा रहने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 199वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मिनट का घंटे से वही संबंध है जो इंच का किससे, मिनट जो है वो घंटे से संबंधित है, मिनट किससे संबंधित है, घंटे से संबंधित है, उसी प्रकार से इंच किससे संबंधित है, माप से, माप होता है, माप के लिए हमें इंच, इंच क्या है, माप की इकाई है, किसकी इकाई है, ये माप की इकाई है, किसकी पाई है, इकाई है? अरण पर करें, अब आप क्यों नहीं आते भाई, अब कैसे आना बड़ा मुश्किल होता है भाई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन माप, 199 200 की तरफ बढ़ते हैं, 200वां क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिस पर जिसका पैसे का साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर के साथ, तो सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर और मीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही लंबाई के लिए यूज होता है, परंतु मीटर से छोटी पद्धति है, टीजीएस पद्धति है, और ये मीटर जो है वो आपकी एमकेएस पद्धति में आता है, ठीक है। तो पैसा से बड़ा क्या होगा, पूंजी, धन, रुपया या सिक्का, तो पैसा से बड़ा क्या होगा, रुपए होगा, रुपए, पैसा 25 पैसा, 50 पैसा, फिर 1 रुपया आता, तो रुपया बड़ा होगा ना, तो ए रुपया जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 200 के आगे, 201 नंबर, चित्रकारी का संबंध, चित्रकारी का संबंध तुलिका से है,
तुलिका मतलब जो कूची जिससे हम लोग चित्र बनाते थे उसी को तुलिका कहा जा रहा है। तो पत्र का संबंध किससे होगा, डाकघर से, लेखक से, स्याही से या कलम से? तो पत्र को किससे लिखा जाता है, स्याही से लिखा जाता है। तो स्याही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों। सी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 201 के और आगे बढ़ते हैं, 202 नंबर। दिन का रात से वही संबंध। अब देखो दिन और रात एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ठंडे का संबंध किससे होगा, तो ठंडे का संबंध सर्दी से होगा या गर्मी से होगा या आग से होगा या आर्द्र से होगा। तो दिन और रात विपरीत है तो ठंडी और गर्मी विपरीत है। तो गर्मी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 202 के बाद 203 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का संबंध पाठक से है, कहानी कौन पढ़ता है, पाठक लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार से श्रोता क्या सुनते हैं, गीत सुनते हैं या गायक को सुनते हैं या नृत्य को सुनते हैं या गीत का बोल सुनते हैं, तो गीत सुनते हैं। श्रोता क्या सुनते हैं, गीत सुनते हैं। गीत ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए को आप मेरे बच्चों टिक कर सकते हो, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए 203 के और आगे बढ़ते हैं। ओ 203 ही आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था बच्चों। आज की क्लास इन लोगों ने 130 नंबर से शुरू किया था और 203 पर जाकर के समाप्त की है आज की क्लास। कल प्रयास रहेगा कि 300 का आंकड़ा चुनने का, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक जो कि कोडिंग रिकॉर्डिंग है इस बुक के बाद, इस बुक में सेकंड टॉपिक के रूप में, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने का हम प्रयास जारी रखे हुए हैं और खत्म करने का प्रयास भी कर रहे हैं। सही बच्चे इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। एग्जाम में पता नहीं कौन सा टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए। जो टॉपिक इस समय आप पढ़ रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता है, आप कोचिंग चाहे यहीं भी पढ़े जाके, ये टॉपिक आपको कभी पढ़ने पढ़ाया नहीं जाएगा। मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ और मैं भी वहां पर ये नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बुक्स को पूरा मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो बुक्स में आए हुए उन सारे क्वेश्चंस को मैंने छोड़ने वाला जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ते रहिए। क्लास खत्म होते ही मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ में जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन थे उनकी मीनिंग का अर्थ हिंदी में दिया गया होगा, आप एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और आप हमारा जो स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे होगे बार बार स्क्रॉल कर रहा है, उस नंबर को भी आप अपने पास सेव कर सकते हैं और हमको अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अब यहाँ पर रोहित कुमार भी ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं सर मेन टॉपिक कंप्लीट कराइए। तो अब इनको ये नहीं पता कि क्या मेन है, अब वो हमें बता रहे हैं कि सर मेन टॉपिक क्या होगा। तो अब बच्चा ज्यादा होशियार हो गया टीचर से, आप समझिए मेरी बात, बच्चा जो है वो ज्यादा होशियार हो गया है टीचर से, उसको ये लगता है कि हमको ज्यादा पता, टीचर को नहीं पता है। तो आप हमें बताइए मत, हमें पता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं एक तरफ से करा रहा हूँ क्वेश्चन और मैं सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। ये कोई जरूरी नहीं कि आपका पेपर 17 तारीख को होगा, अब ये आपका बेडलेक होगा कि 17 अगस्त से एग्जाम होगा और 17 अगस्त को ही आपका पेपर होगा और आप पेपर देने चले जाएंगे, तो ये बेडलक होगा। लेकिन जब तक आपका एग्जाम होगा आपके पास 60% इस बुक का सोल्यूशन आपके पास पहुंच चुका होगा। पहली बुक सॉल्व करा चुके हैं, उसको जरूर एक बार आप देख लीजिए, अगर नहीं देखा है अच्छे से पूरे वीडियो देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही हैं, आप किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते और किसी भी टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। और हाँ, जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक दिया गया है। मिलते हैं कल पुनः 8:15 पर और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।